Friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. Friends, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम एरीज असेंडेंट की सीरीज में सूर्यदेव की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज की हमारी जो डिस्कशन है वो सूर्य की फिफ्थ हाउस में प्लेसमेंट के बारे में है। अगर एरीज असेंडेंट में सूर्य की प्लेसमेंट फिफ्थ हाउस यानी कि अपने ही घर में हो जाए तो किस तरह के रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस प्लेसमेंट से। दोस्तों, फिफ्थ हाउस के बारे में आपको मालूम ही है। सबसे पहले तो जो फिफ्थ हाउस है, ये जो फिफ्थ साइन है ये अग्नि साइन है, दिस इज अ फायर साइन, और जो सूर्य देव है ये भी अग्नि प्लैनेट है, और ये फिक्स्ड साइन है। फिक्स्ड साइन माने जो भी सूर्य प्रधान लोग होते हैं वो काफ़ी अपने विचारों में फिक्स्ड होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। जो उनके आइडियाज़ होते हैं, जो उनके ओपिनियंस होते हैं, उन पे वो स्टैंड लेते हैं, और कभी कभी ज़िद्दी भी हो जाते हैं, एडमेंट भी हो जाते हैं, ईगोइस्टिक भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर सन की प्लेसमेंट इसी घर में ही हो जाए तो काफ़ी चीज़ों के लिए अच्छा हो जाएगा, लेकिन कुछ कमियां भी रहेंगी। सबसे पहले हम ये देखें कि अच्छा क्या होगा। ये इंसान काफ़ी बुद्धिमान होगा, एजुकेटेड भी होगा, लेकिन इसमें ईगो की फीलिंग बहुत ज़्यादा होगी, सेल्फ प्राइड बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अपने ही हाउस में अगर सन बैठ जाए तो इट गिव्स ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, करेज एंड प्राइड। अब इंसान में प्राइड है, ईगो है, कॉन्फिडेंस है, करेज है, ब्रेवरी है, तो कहीं ना कहीं उसके करैक्टरिस्टिक्स जब इस तरह के होंगे तो कहीं ना कहीं वो जिद्दी भी हो जाएगा, और फिर उसके फिक्स्ड ओपिनियंस हैं। कंप्रोमाइजिंग जो क्वालिटी है, एबिलिटी है, वो उसमें लैक करेगी, और वो अपने आप को सुप्रीम समझेगा। कहीं भी बैठ के वो अपनी चलाने की कोशिश करेगा, आर्गुमेंटेटिव हो जाएगा, क्योंकि उसमें नॉलेज भी आ गई, फॉर्चुनेट भी हो गया, पैसा भी आ गया, पैसे का घर है ये, और लर्निंग्स भी आ गई। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इजीली, मतलब यू कैन अराइव एट ए कंक्लूजन दैट ही विल बी ए लिटिल बिट ईगोइस्टिक एंड प्राउड पर्सन। अगर उसकी लोग मानेंगे तो एवरीथिंग विल गो फाइन, अगर कोई उसके अपोजिशन में आ गया तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। और दोस्तों, यहाँ ये संतान भाव भी है, यहाँ इसके बच्चे जो हैं, ये बच्चों के बारे में भी बड़ा फिक्स्ड इसके ओपिनियंस रहेंगे। बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को कैरियर में आगे बढ़ाने के लिए इसकी जो एडवाइजेज होंगी वो एडवाइजेज नहीं होंगी, ऑर्डर्स होंगे, और ये बच्चों को काफ़ी हद तक डिक्टेट करने की कोशिश करेगा। और फिर जब इसके बच्चे बड़े होंगे तो उनमें भी वही करेक्टरिस्टिक्स आने की पूरी संभावना है, वो भी आगे जाके कहीं ना कहीं फादर को डिक्टेट कर सकते हैं अपने टर्म्स को मनवाने के लिए। तो एक ईगो टसल बच्चों के साथ भी यहाँ रहने की संभावना पूरी बनती है, बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे। और एक पुत्र होने का योग यहाँ पर काफ़ी बनता है। अगर यहाँ पर कुछ और प्लैनेट्स ज़्यादा उल्टे सीधे नहीं हैं तो एक पुत्र ज़रूर होगा ऐसे इंसान को, और एक पुत्र शाइन भी बहुत करेगा सोसाइटी में, मतलब उसका कैरियर और उसकी जो इंडिविजुअल करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनकी वजह से हिल बी नो। और दोस्तों, ये सेल्फ एक्सप्रेशन का भी हाउस है, यहाँ से जो नेटिव होगा वो कहीं ना कहीं उसमें आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ या परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड
या कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी जरूर होंगी जिनको वो एक्सप्रेस करेगा अपनी परफॉर्मेंस में। एक्टिंग में भी हो सकता है, वो उसका इंक्लिनेशन आर्ट की तरफ ज्यादा होगा, किसी भी टाइप की आर्ट। और अपनी जो क्रिएटिविटी है वो दूसरे फील्ड्स में भी एक्सप्रेस कर सकता है, यानी कि स्पोर्ट्स में भी कर सकता है, सिनेमा में भी कर सकता है। एंड आर्ट की तो कई फॉर्म्स हैं, आपको मालूम ही है, चाहे वो एक्टिंग है, डायरेक्शन है, प्रोडक्शन है, राइटिंग है, एंड डेफिनेटली स्पोर्ट्स में भी ही कैन शो हिज आर्टिस्टिक क्वालिटीज। तो ऐसा देखा गया है कि इस तरह के नेटिव में कुछ न कुछ परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड कुछ न कुछ क्वालिटीज ज़रूर होंगी और इंक्लिनेशन भी होगा। एंड ही विल बी वेरी रोमांटिक पर्सन। लव लाइफ में दे आर वेरी हॉट एंड दे आर वेरी डेमोंस्ट्रेटिव पर्सन, दे आर वेरी एक्सप्रेसिव इन लव एंड रोमांस, and they want to have their upper hand in romantic life। और दोस्तों ये क्योंकि बुद्धि का घर है तो यहाँ से नॉलेज और लर्निंग्स भी काफ़ी देखी गई हैं। इंसान को यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि उसे वेदों का या शास्त्रों का ज्ञान भी होता है, और एजुकेशन का घर तो है ही है, और यहाँ पर एजुकेशन में काफ़ी इंटेलिजेंट रहेगा, उसके मार्क्स वगैरह या परफॉर्मेंस वगैरह ग्रेजुएशन लेवल एजुकेशन में बहुत अच्छी रहेगी। और दोस्तों आगे अगर हम देखें तो ये स्पेकुलेटिव गेंस का हाउस है, यहाँ से आदमी की इन्वेस्टमेंट से यानी कि स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट से there are chances that he may cater very good, very high gains। पैसा यहाँ कमाएगा बंदा, और he'll be considered a fortunate person। मतलब कम मेहनत से destiny के यूँ कहना चाहिए कि destiny की support से he will earn more money। और फिर दोस्तों यहाँ पर अगर सूर्य पे किसी भी मैलिफिक प्लैनेट की दृष्टि नहीं है तो ये प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और अब प्लैनेट की दृष्टि का मतलब यहाँ इसके साथ कोई सैटर्न, राहु, केतु या इवन मार्स, ये प्लैनेट्स अगर नहीं है, मार्स की जो नेगेटिविटी है थोड़ी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सैटर्न, राहु, केतु। तो अगर यहाँ पर राहु, केतु और सैटर्न आ गए तो इन फलों में कमी हो जाएगी, दे विल इंटरफियर, दे वोंट अलाउ सन टू आई मीन गेट ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ दिस हाउस, दे विल रिस्ट्रिक्ट इट। और अब यहाँ से अगर हम देखें तो सूर्य की दृष्टि 11th हाउस पे पड़ती है, यानी कि अपने से 7th हाउस पे, 7th हाउस उसका जो है 5th हाउस का 11th हाउस हो जाता है। तो दोस्तों 11th हाउस से हम देखते हैं कि ये हाउस हमारे रेगुलर गेंस का घर है, हमारे नेटवर्क सर्कल का घर है, हमारे एल्डर सिबलिंग्स का घर है, लाभ भाव कहते हैं इसको। तो यहाँ पर सूर्यदेव बैठ के, हालांकि ये शनि का घर है, स्टिल आई मीन यहाँ पर सूर्यदेव बैठ के इंसान को अच्छे लाभ दिलवाएंगे। और एल्डर सिबलिंग्स का घर है तो एल्डर सिबलिंग्स में सूर्य देव को शनि देव से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शनि देव को सूर्य देव से बहुत प्रॉब्लम है। एस्ट्रोलॉजी में इनको पिता और पुत्र का दर्जा मिला हुआ है, सूर्य देव इज फादर एंड सन, सैटर्न इज सन ऑफ सूर्य देव। तो यहाँ पर सूर्य देव को ज़्यादा, शनि देव से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शनि इज़ ए बिटर एनिमी ऑफ सन, सूर्य। तो यहाँ पर जो आपके एल्डर सिबलिंग्स होंगे उनका थोड़ा सा ओपिनियन
आपके प्रति डिफर कर सकता है, मतलब दे मे और मे नॉट लाइक यू मच, लेकिन आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका नेटवर्क सर्कल काफ़ी रॉयल होगा, यहाँ पर काफ़ी मैच्योर होगा, काफ़ी स्टेबल होगा। जिन लोगों से आप डील करेंगे या जो लोग आपकी एसोसिएशन में होंगे वो भी यहाँ पर मैच्योर और रॉयल और पैसे वाले होने की पूरी संभावना है। अब देखें दोस्तों, ये जो सूर्यदेव यहाँ पर विराजमान होंगे वो किसी न किसी नक्षत्र में ज़रूर होंगे, और फिफ्थ हाउस में अगर हम देखें तो तीन नक्षत्र आते हैं। पहला नक्षत्र दोस्तों ये फिफ्थ हाउस है, पहला नक्षत्र जो है यहाँ पर माघ नक्षत्र आता है, और माघ नक्षत्र जो है इस साइन में 0 से 13.20 तक फैला हुआ है, यानी कि अगर सूर्य देव 13.20 डिग्री तक हैं तो ये माघ नक्षत्र में ही मिलेंगे, और यदि शनि देव 13.20 से 26.4 डिग्री तक हैं तो ये आपको पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में मिलेंगे, और अगर ये 26.40 से पूरा आगे जाके 10 डिग्री तक ये जो है नेक्स्ट साइन में चले जाते हैं, वर्गो साइन तक चले जाते हैं, यानी कि इस साइन तक चले जाते हैं, तो यानी कि ये पूरा का पूरा 26.40 to 30 ये आपको उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में ही मिलेंगे। तो दोस्तों माघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्रदेव का नक्षत्र है और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्यदेव का है। तो हम ये समझ लें कि अगर सूर्य केतु के नक्षत्र में है तो केतु की प्लेसमेंट ये डिसाइड करेगी कि सूर्यदेव हमें किस तरह के फल देने जा रहे हैं, और यदि सूर्यदेव पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं तो वीनस की प्लेसमेंट ये डिसाइड करेगी कि सूर्यदेव के फल हमें कितने अच्छे मिलेंगे। अच्छे तो मिलेंगे, देयर इज नो डाउट, लेकिन क्या उन अच्छे रिजल्ट्स में थोड़े ऑब्स्टेकल्स होंगे, थोड़ी परेशानियां होंगे, थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी या नहीं होगी, ये वीनस देव मतलब वीनस बताएंगे हमें, शुक्र देव बताएंगे। और यदि सूर्य देव उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य देव का ही है, तो यहाँ सूर्य देव अकेले ही हैं, अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, अपने ही घर में बैठे हैं, और पूरे के पूरे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की पूरी संभावना है अगर सूर्यदेव पे किसी भी मैलेफिक प्लैनेट की कोई दृष्टि नहीं है या कंजंक्शन नहीं है, और सूर्यदेव अच्छे बल में बैठे हैं, यानी कि अच्छी ठीक डिग्री में बैठे हैं, बलाबल पूरा है सूर्यदेव में। तो दोस्तों आपने देखा कि जिस नक्षत्र में सूर्यदेव बैठेंगे उस नक्षत्र का भी बहुत बड़ा रोल है आपकी प्रिडिक्शन में। आप इस चीज़ को, हम बार बार आपको बोल रहे हैं, इस चीज़ को आप बिल्कुल मत भूलें। हम एक छोटा सा यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सूर्यदेव शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं और शुक्र नीच में बैठा है, 6 नंबर राशि में बैठा है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। 6 नंबर राशि ये है, ये शुक्रदेव की नीच की राशि है, और ये दुष्टाना हाउस है, यहाँ से हम डेथ, डिसीज और लिटिगेशन के मसले ज़्यादा देखते हैं, हालांकि ये सर्विस का भी घर है, तो आपकी जो भी यहाँ पर गेंस होंगे वहाँ वो डेथ में भी फंसे रहेंगे, कोई ना कोई जो है ना आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्योंकि ये स्टोमक का भी घर है, यहाँ पर सूर्यदेव के बैठने से आपकी डाइजेस्टिव फायर बहुत ही मजबूत होगी, पावरफुल, आपका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छा होगा, आप एक स्ट्रांग इंसान होंगे, विल पावर बहुत ज़बरदस्त होगी आप में। लेकिन अगर ये वीनस के नक्षत्र में बैठे हैं, यानी कि पूर्व फाल्गुनी में, और वीनस कहीं सिक्स्थ हाउस में आ गया है, नीच में, एक तो सिक्स्थ हाउस, दूसरा नीच,
दोनों के रिजल्ट्स जो है बहुत बुरे मिलेंगे, फिर आपके जो गेन्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में रहेंगे, आप पे कहीं ना कहीं जो आपके गेन्स हैं उनमें डेट भी चल सकते हैं, कुछ ना कुछ कोर्ट केसेस भी चल सकते हैं, और हेल्थ भी आपकी ठीक नहीं रह सकती। तो ये सारी गेन्स तो रहेंगे, हम ये नहीं कह सकते कि गेन्स नहीं रहेंगे। जब शुक्र की दशा अंतर दशा चलेगी तो वो सारी चीज़ें उल्टी होनी शुरू हो जाएंगी, तभी तो हमारी डेस्टिनी में काफ़ी वेरिएशन मिलते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द दशा अंतर दशा, जो भी चल रही होती है हमारे चार्ट में वो हमें बताती है कि हम किस तरीके से हमारी लाइफ में हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और यदि सूर्यदेव माघा नक्षत्र में है और फिर हमें केतु की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, अगर केतु की प्लेसमेंट कहीं 12th हाउस में है तो आपके गेंस में कुछ लॉस भी डेफिनेटली होंगे, और फिर आपको ये कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ केतु देव ले जाएंगे। आप जो पैसा कमाएंगे वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में भी लगाएंगे, क्योंकि 12th हाउस से हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ देखते हैं और यहाँ से हम बैड प्लेजर्स भी देखते हैं। तो यहाँ आप कहीं ना कहीं सेक्स एंड सेंसुअलिटी में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, अपने पैसे को खर्च कर सकते हैं, और आप इवन फॉरेन कंट्रीज जा सकते हैं एंजॉयमेंट के लिए, बिकॉज 12th हाउस बिलोंग्स टू फॉरेन कंट्री। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें नक्षत्र के लॉर्ड को ज़रूर देखना है किसी भी कंक्लूजन पे अराइव होने से पहले। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी डिस्कशन, अगर सूर्य की प्लेसमेंट 5th हाउस में है एरीज लग्न में तो आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। आई थिंक यहाँ पर अगर हम फाइनेंशियली देखें तो जो भी नेटिव है ब्लेस्ड रहेगा, और उसमें वो सारी चीज़ें रहेंगी जो हमने आपसे डिस्कस की हैं। यहाँ पुत्र होने का योग भी है, पैसा मिलने का योग भी है, अच्छी एजुकेशन अच्छी नॉलेज का योग है, और क्रिएटिव एक्सप्रेशंस में आदमी अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा प्राउड रहेगा, और अगर उसको गुस्सा आ गया तो फिर वो उसकी जो इंटेलिजेंस है बुद्धि है वो एक तरफ हो जाएगी, एंड ही वुड सीम टू बी इडियट पर्सन। तो इस तरह के यहाँ पर डेफिनेटली फल मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और कल हम इसकी प्लेसमेंट जो है 6th हाउस में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट मी, माय नंबर इज 9899105355, एंड फॉर द टाइम बीइंग गुड बाय एंड हैव अ गुड टाइम। थैंक यू वेरी मच।